बात अब संसद की करेंगे। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने संसद के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से 12 सांसदों के निलंबन का फैसला वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वो विपक्ष के बाकी नेता भी धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं आप नेता संजय सिंह ने ये मांग दोहराई है। इसके अलावा आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि सरकार अहंकार छोड़कर सभी सांसदों के निलंबन का फैसला वापस ले। कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट है कि माफी नहीं मांगी जाएगी। राज्यसभा में जो आज अड़चनें पैदा हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने बहुत कोशिश की सदन को चलाने के लिए, सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर हमने ये निर्णय किया कि जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये चालू रहेगी। और ये हम विनती करते हैं उनसे कि ये अच्छा नहीं है, वो वापिस लो और सुगम रीति से सदन चलाए। और दूसरी चीज, अगर किसी वजह से फिर भी वो हठधर्मी करते हैं तो हमको मजबूरन वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके सपोर्ट में हम तमाम लोग जाके एक दिन उपवास कर, एक दिन धरना करेंगे। और हम लोकसभा के सदस्यों को भी अपील किए हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है, राज्यसभा में जो आज अड़चनें पैदा हो रही है, ये 12 हमारे सांसद, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब चाहते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो उसमें वो हिस्सा लें। हम MSP की गारंटी चाहते हैं, हम 700 किसानों की जो शहादत हुई है उनके लिए मुआवजा चाहते हैं, उन पे फर्जी मुकदमे वापस चाहते हैं, और महंगाई के मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं, नागालैंड के सवाल पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के डिस्कशन से सरकार भाग रही है, सरकार विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र के गले को घोटने का काम कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है, जो हम कतई होने नहीं देंगे। इस सत्र में सिर्फ इसलिए कि आपको डर था कि बैंकिंग वाला हमले विरोध पुरजोर होगा, महंगाई पर आपको एक्सपोज करके रख देंगे, आपने ये निर्णय लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये 12 सांसद निलंबित नहीं हुए हैं, आप लोकतंत्र के निलंबन की योजना बना रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये कौन सी रवायत कर रहे हैं? निलंबन वापस लीजिए, अहंकार और हठधर्मिता छोड़िए और संसदीय लोकतंत्र के खूबसूरत छांव को फिर से बहाल कीजिए। प्रशांत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रशांत, ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि माफी मांगने का सवाल नहीं उठता, सरकार को अपना हट छोड़ना होगा। जी बिल्कुल स्वाति, अगर आप बात करें विपक्षी नेताओं की तो अभी 1 बजे सबने बाहर आके बयान दिया है कि जहां तक बात माफी मांगने की है, माफी तो किसी भी कीमत पे नहीं मांगेंगे वो, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने जो किए हैं वो बिल्कुल संसद की गरिमा के अंदर रहते हुए किया है और संसद में विरोध का भी एक एसेंस है और विरोध करना हमारा हक है और हमने बस विरोध जताया है। और जिस तरह से 12 सांसदों को जिनको निलंबित किया गया है उन पर जिस तरह से एक्शन लिया गया है, वे अपोजिशन नेताओं का मानना है कि वो गलत है, क्योंकि वो जो मामला था वो पिछले सत्र का था और इस सत्र में आके उस पर फैसला लेना एक गलत है, इलीगल है, उनका ये कहना है। मगर सिर्फ यही नहीं रुके, उनका ये भी मानना है कि अगर आने वाले दिनों में अगर इनको बहाल नहीं किया जाता, अगर इनके सस्पेंशन को वापस नहीं लिया जाता है तो वो एक धरना करेंगे, और उसका ना केवल राज्यसभा के सांसद बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ये भी बताया कि हमने लोकसभा के सांसदों से भी बात की है कि आप हमारे धरना में शामिल हो और हम सरकार को एक्सपोज करें। तो कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान की स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है। लेकिन ये खींचतान खत्म कैसे होगी, डेडलॉक कैसे खत्म होगा? इससे पहले प्रहलाद जोशी ने कहा था कि हम अब भी सस्पेंशन वापस ले सकते हैं अगर ये 12 सांसद माफी मांग ले। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब तक आप सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। देखिए बात वहीं पे आके फंस जाती है कि
क्या ये सत्र चलाना नहीं चाहते हैं? सरकार का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता कि संसद चले, विपक्ष का ये कहना है कि संसद चलाने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के हाथों में होती है, और इस तरह से जो भी विपक्ष का नेता का कोई सवाल खड़े करे उसे आप सस्पेंड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो एक खींचतान की स्थिति है वो बरकरार है और आने वाले दिनों में बरकरार रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगर आप सरकार के सूत्रों की बात करें उनका कहना बिल्कुल साफ है कि जब तक विपक्षी नेताओं की तरफ से माफी नहीं मांगा जाता, जब तक वो ये बात कबूल नहीं करते कि उनसे गलती हुई है, तब तक निलंबन वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता।